मजी तो भी यार ग्राम दो मिनट यार मुझे दो मिनट सिर्फ दो मिनट तो भी यार फाइनली बैक दारा ना तभी लोग तो सेंस कुछ ऐसा है कि यार ये वो जगह है जहाँ पे दारा सुनील का फ्लैक्स लगा था यहाँ पे ठीक है लेकिन अब नहीं है भाई अब नहीं है क्योंकि अब घर में सफाई सफाई हो रही है कोई तबियती काम हो रहा है भाई साहब ये देख रहे हो छत छत थी पहले उस तरह वो देख रहे हो रंग अब ये लगे हुए खराब ये हमारे ये पेंट कर दिया उन्होंने ठीक है बस ये नॉन एंट्री शेंट्री हो गई है अब इसको पेंट होगा टीयर कटर फिर बाद में दोबारा लुक दिखाएंगे आपको भाई साहब ग्रिल वगैरह कुछ चेंज हो जाएंगे खिड़की चेंज हो जाएगी भाई साहब बैठक को भी पेंट होगा ये पेंट है बड़ा पेंट वगैरह मैं लेके आया इसलिए मेरी आवाज़ ये देखो नहीं गया ज़्यादा देखो ज़्यादा देखो ज़्यादा लग जाएगी भाई साहब बाकी काम आपको दिखाता रहता हूँ थोड़ा सा अंदर चेंज कर रहे हैं साहब कि अपनी दीवारों की फीलिंग छत वगैरह मुकम्मल हो गई है और अभी दीवारों की फीलिंग हो रही है ठीक है नाम दिखा रहे दीवार फीलिंग दिखा यार हैं अंदर वाले दिखाते हैं तो वो ये फीलिंग वगैरह कर रहे हैं विक्रम ठीक है फीलिंग के बाद डिस्टेंपर वगैरह शुरू होगा हमारा ठीक है और बैठक को फुल स्मैक्सी कर देंगे भाई साहब ये खिड़की वगैरह दरवाजे पुराने उतार देने हैं भाई ये खिड़कियाँ भी उतार लेनी है पुराने जमाने वाली ठीक है और सारा पेंट शेंट कर देंगे अंदर अभी भी अंदर भी सारा घर होना है एक कमरा हो चुका है लेकिन उसकी ना सेटिंग नहीं है ठीक है उसको मैं दिखा देता हूँ वैसे इसके साथ में ये देख सकते हो छत देखो यार ठीक है नीचे वाला सामान ना देखो नीचे वाला सामान कंध बचा हुआ है अभी अभी धोना है सफाई वगैरह करनी है फिर सारी चीज़ें जुड़ेंगी फिर दिखाएंगे आपको हैवी करके स्नैक्सी करके ये जैसे ये देखो ये सुराग है ना इनको वो फिलिंग कर रहा है क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल के ना फिलिंग कर रहा है बाकी सीमेंट वगैरह तो चुना पड़ा इस टाइम पर चुना चुना तो पुराने जमाने का यार क्या कहाँ बैठ रहे हो भाई साहब अ फ्यू मोमेंट्स लेटर जी तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि यार 4:30 हो गए हैं और मौसम बड़ा हैवी है स्नैक्सी है दिख सकती हो बादल चादल हैं फुल हैवी शैवी तो नमाज का टाइम हो गया लेकिन मेरा है अच्छा लेकिन नमाज पढ़ेंगे पढ़नी है अभी नमाज फोन पर लगा इकराम डॉन एक साइड तो हो गई है भाई साहब और एक साइड अभी रहती है दिख सकती हो बिफोर आफ्टर ओके तो भी सारा सामान किचन का सामान भी सारा निकला पड़ा बाहर और मेरी हालत अभी मतलब वही है पेंट मैंने अभी तक ये देखिए संदूक ये था आटे वाटा ये 3-4 संदूक पड़े हैं ये इंटे हमारी पड़ी हैं मुझे बाथरूम वगैरह के लिए ठीक है और बाकी किचन का सामान भी सारा बाहर निकला पड़ा है ये हमारी पेट कड़ी है ये भी किचन वाला था इसको भी पेंट किया अभी हमने सारा सारा कुछ पेंट कर डाला सिलेंडर को भी पेंट कर दिया यहाँ तक कि वो तो सिलेंडर भी पेंट कर दिया अभी क्योंकि किचन वगैरह फुल तैयार हो रहा है सामने वो जो कमरा ना वहाँ पे भी दरवाजे वगैरह इनके लगने हैं इनकी ये पड़ी हैं दरवाजे वगैरह लगेंगे ठीक है बैठक वगैरह हो रही है भी पेंट ना वो भी दिखाता हूँ मैं सारा कलर हो गया भाई साहब तो सेम से कुछ ऐसे हैं भाई साहब गंद वगैरह ऐसे का वैसा ही है ये भी गंद भी ऐसा है हाँ जी तो कमरा कमरा साफ हो रहा है भाई साहब ये सारा रगड़ा है मैंने ठीक है देख सकते हो स्नैक्सी बन गए भाई साहब ये सारा रगड़ रहे हैं बैठ के सारा देख लो चुना चुना गिरा हुआ था इस सारा चुने को हमने फेंका ओ फेंक का क्या है पूरे ऐसे रगड़ रहे हैं इस तरह करके शूम शूम हैं बैठक में अभी शैली कर ली है भाई से वो साफ सफाई बिगड़ी है उसके भी पर्दे वगैरह लगेंगे उस तब तक इसको रगड़े थोड़ा सा नीचे वाले को इसको ना ऐसे ओ कर रहे हैं कुछ ऐसे हैं मजा आया भाई साहब कमरा अपना बना रहे हैं हैवी करके स्नैक्सी करके तो उसके लिए फ्रेश का साफ होना मुझे चूना लगा हुआ नीचे चूल्हे को मैं साफ करना जब शाबाश बेटा जरा जी उसे करो बचाओ ते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद साफ साफ कर लें फिर दोबारा साफ रगड़ रहे थे और देखो ये चेक करो भाई साहब क्या कर रहे हो अभी यहाँ पे आने यार दो पलंग आने हमारे एक अंधेर का और एक मेरा ठीक है दो पलंग आएंगे यहाँ पे सामने टीवी रखेंगे ताकि जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो सामने से सोफा पे लेट बेड पे लेट के टीवी देखे हैं तो यहाँ पे ग्रेज रखे हैं यहाँ पे लगेगा ड्रेसिंग और बाकी वहाँ पे अलमारी सेफ अलमारी है हमारी ना कपड़ों वाली इससे ज़्यादा मेज यहीं पे आ गया
बाकी पंखे की तार निकली हुई है, तार क्योंकि यहाँ पंखे को साफ शाफ करना है, ठीक है, बाहर से भी चढ़ कर माले अंदर से फुल चमका दिया, अभी सूखने के लिए पड़ा हुआ है। तब पलंग उठाने हैं, पलंग अब देख रहे हैं बारिश वगैरह तो हो गए बड़े, पलंग अब उठाते हैं भाई साहब, यहाँ पे जोड़ते हैं फुल चमक से बना के। अच्छा सर, हमने यार यहाँ से हमारी वगैरह भी उठा ली है, हमारी यहाँ थी, ये देख लो कमरे के सारा गंदा हुआ पड़ा है, इस कपड़े को हमने बनाना है वी आई पी करके, इसको पेंट शेंट करना है, यहाँ से ब्यूटी टीवी वीडियो पड़ा ये भी उठा लेना, ये शीशा जहाँ से मैं सर वीडियोस बनाया करते थे हैं इंस्टाग्राम की वीडियो बनाया करते थे ना, अलमारी वगैरह बेड वगैरह सारे वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, वो भी सेटिंग हो जाए ना, फिर आपको दिखाते हैं वी आई पी करके, ठीक है। और ये कमरा भी होगा, स्टम्पर वगैरह होगा, छत वगैरह बनेगी हैवी करके सनक्सी करके, और ये भाई खड़े हैं। चलो ठीक है यार, थोड़ी सफाई सफाई करें, ये देखो गन, देख लो कितना गन निशान पड़ा हुआ है, ये सारा गन है, ये तो मेरे खाने से निकला ना, मेरा इलेक्ट्रिक सामान, बचपन का इंजीनियर था ना, और अभी लोग चलो भाई थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो जी तो सीन्स कुछ ऐसे हैं भाई साहब, आज है अगला दिन, ठीक है, कल का पता कल, यही सीन थोड़ा सा ना, मैं अब देख रहा हूँ चमक रहा है भाई साहब, और ये बेड शेड हमने यहाँ पे जोड़ लिया है, अलमारी भी जुड़ गई है, और भाई साहब ये तो है ना कलोटी, ये भारी बहुत थी इसलिए ये हमसे नहीं उठाई गई, ठीक है ना, बहुत भारी थी यार, ये फुल भरी हुई है गंदम से, तो इसलिए उठाई नहीं गई मैं इसके अंदर, और ये स्त्री हमने सबने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे टीवी रख दिया ट्रॉली, और ये आ गया हमारा ड्रेसिंग भी, रात को वो लगा के थे भाई साहब, देख सकते हो, ठीक है, ये वाली वीडियो वाली जगह भी हो गई जरा रख सदील की। बाकी पंखा भी यार अभी वही ख़राब है, अब इसको ना वो तार वगैरह लगनी है, उसको साफ साफ करके लगाएंगे, वो भी नहीं, इसलिए भी ये फर्श पंखा रखा हुआ है ताकि हवा शवा इसके लिए हो, लेकिन अभी वैसे भी ठंड है बहुत, रात टाइम तो पंखे तो वैसे बंद हो जाते हैं कमरे में भी, और ये देख सकते हो मैं बिना इसको भी रात वो कर गए थे, बोर्ड वगैरह चेंज करने हैं, इसको भी रात समैक्सी बना गए थे भाई साहब, फुल समैक्सी समोक्सी कर गए थे, यहाँ से जरा रखी हट गया भाई, फुल बैठक का रंग हो गया ना, तो यहाँ से ये जरा रख सदी अभी बड़ा एक प्लेट हमारी जो तला ने दी थी, और अभी ना बाकी अब रह गया सफाई वगैरह करनी है यार इसकी ना सेम, यह देख रहे जो गंद पड़ा था सारा, गंद इसलिए उठाया कि वहाँ पे भी बाथरूम बनना, तो मिस्त्री आएगा, मिस्त्री ने बाथरूम वगैरह बनाना है, ये पड़ी है बाकी सामान शामान पड़ा, दरवाजे वगैरह पड़ी हैं, हर चीज़ पड़ी है भाई साहब, और फुल अब मैंने ना काम किया जरा रख सदील का, कब ये धोना है सेहन धोना है, मज़ा आया ये सारा सेहन धोना है, इतना बड़ा सेहन बहुत बड़ा यार था, धोते धोते इंसान की यहाँ पे कल सारा सामान था ना, अब सारा क्लियर हो गया, ये कमरा था जहाँ से अलमारी वगैरह डाई थी, अब इसको पेंट होना है, देख सकते हो अब यहाँ पे वो सारा गंदा जो सेहन वाला था वो सारा गंद यहाँ पे डाल दिया हमने, सोया हुआ कंदील साथ कमरे में, तो सारा सामान हमने वहाँ गिरा दिया, अभी ये बाहर से भी क्योंकि पेंट वगैरह होगा सारा है, मरम्मत वगैरह होनी है, तो पोछ वोछ थक रहे हैं, यही वजह है कि भजन सिर्फ विलोक अदील साहब के नहीं आ रहा है, विलोक लेट लेट आ रहे हैं, ठीक है, अब पता चला कितने मसरूफ़ है, कितना मसरूफ़ बनता है अदील यार, अभी तो ये देखो ये इतना बड़ा बिजनेस मैन है कि भी ये फ्रेश भी धोना है मैंने, देख सकते हो हाय, चल यार धोते हैं फ्रेश, सुबह आग लगा दी थी कोई जो फजूल चीज़ें थी ना यहीं पर आग लगा के फिर मैं फेंका था, और अब वैसे तो फ्रेश ऊँचा बनना है, थोड़ा ऊँचा होगा ये कमरों के बराबर इस लेवल पर आएगा, दोबारा नया बनना सारा ना फ्रेश, ये सारा गंदा पकड़ा बहुत ज़्यादा गंदा पकड़ा, इसको दोबारा नए बनाएंगे भाई साहब, और इसलिए लेकिन अभी इसको पहले साफ तो कर लेना है, देखिए सफाई हनी सीमान और अदील है सफाई पसंद, चलो ठीक है यार इसको सोचो दें, फिर हम मिलते हैं टट्टा फर, इसको ऐसे कि भाई साहब सेन हमने धो लिया सारा सफाई से भी हो गई है, ठीक है, बाकी भी मिस्त्री का काम होगा वो बाद में जब होगा होगा, ये भी मैं करूँगा लोग का एंड, तो जिसने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मार दो, ठीक है, ये भी लोग था इसलिए कि बताने के लिए कि मैं मसरूफ़ आजकल हूँ, इसलिए भी लोग नहीं आ रहे, घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है, घर की ना लुक चेंज कर रहे हैं एक बार ना, फुल सनेक्सी बना रहे हैं घर को, तो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब मार दो, ठीक है, मिलते हैं टाटा।